उन दिनों की बात है, एक बार किशोरदा आ रहे थे यहाँ, ही वॉज कमिंग टू बैंगलोर। उन दिनों तो ईमेल नहीं था, फ़ोन करने का तो कोई ज़रूरत नहीं, क्यों फ़ोन करूँगी। बहुत गुरुजी को याद कर रही थी, तो एक बार मन हुआ कि उनको कुछ लिखूँ। सो आई आस्क किशोरदा, कैन आई सेंड अ लेटर विथ यू? ही सेड यस श्योर। सो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, सो माई यंगस्ट सन, ही वॉज अराउंड 11 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, ही सेड मॉम व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड आई एम राइटिंग गुरुजी अ लेटर। ही सेड आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइट। आई सेड ठीक है, तू भी लिख दे। तो वो लिख के लाया, मैं उसके हाथ से ऐसे लेने लगी, एंड ही सेड नो। वो लिफाफा लिया, खुद उसमें लिखा और उसको सील किया। आई शुड नॉट रीड हिज लेटर। सो आई सेड ओके। मैं भूल गई उस बात को। करीब एक हफ्ते बाद, अबाउट अ वीक लेटर, सडनली वन डे माई एल्डर सन, ही कम्स रनिंग, ही इज ट्रेम्बलिंग, ही इज रनिंग डाउन द स्टेप्स एंड कमिंग टू मी एंड सेइंग, मॉम, अक्षय गॉट अ लेटर फ्रॉम गुरुजी। आई सेड व्हाट? तो अक्षय, अभिषेक एंड मी, ऑल थ्री ऑफ अस, वी आर स्टैंडिंग देयर, वी आर ट्रेम्बलिंग, लेटर फ्रॉम गुरुजी, वी आर लुकिंग एट द कवर, सो इट्स रिटन अक्षय एंड द होम एड्रेस फ्रॉम गुरुजी। वी डोंट इवन हैव द करेज टू ओपन इट, वी वर जस्ट सो शेल शॉक्ड, यू नो। एंड देन वी सेटल डाउन, सैट टेबल पे, खोले उसको, धीरे धीरे ट्रेम्बलिंग हाथ से ऐसे खोले, इतने सारे स्टैम्प्स निकले, स्टैम्प्स, सो मेनी। आई जस्ट लुक्ड एट इट, आई लुक्ड एट माई सन एंड आई सेड, अक्षय, वॉट डिड यू राइट टू गुरुजी इन दैट लेटर? He looked at me and he said, Mom, I wrote to Guruji, so many people from around the world keep writing letters to you, what do you do with the stamps? But can you think about Guruji? Itne busy Guruji. Mujhe kai mahinon ke baad pata chala, how would I know what's happening here? ब्रह्मते जी है ना, भरत भैया, वो मुझे एक दिन बताए, आपकी चिट्ठी आई, गुरुदेव ने पढ़ी अक्षय की चिट्ठी, वो जब भी फिर कोई चिट्ठी खोलते, ऐसे स्टैम्प को निकालते, रखते, ये अक्षय के लिए, ये अक्षय के लिए। गुरुजी जो भी करते वो तो पूरा आश्रम फॉलो करने लगता है, तो बोले पूरा आश्रम ये अक्षय के लिए। जितने भी लोगों को बाहर से चिट्ठी आ रही थी, 3-4 दिन के अंदर जितने स्टैम्प्स कलेक्ट हुए वो सारे अक्षय को पोस्ट हो गए। बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, कैन यू इमेजिन दैट मैग्निट्यूड, दैट लार्ज हार्टेडनेस ऑफ सच अ गुरु दैट वी हैव, सो फॉर्चुनेट वी आर टू हैव, जो छोटे से बच्चे की इतनी सी ख्वाहिश को भी नहीं छोड़ सकते। द फर्स्ट टाइम आई केम टू द आश्रम, पहली बार आश्रम आई थी गुरुदेव के 40th बर्थडे पे, 20 साल पहले पहली बार आई थी। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट एडवांस कोर्स, इतना भी कोई मजा नहीं आया था, क्योंकि आई वॉज नॉट यूज टू दैट लाइफ। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन, गर्मी लगती थी मई के महीने में, कुछ कुछ थे, आई वॉज जस्ट नॉट यूज टू इट, इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन लास्ट डे जब साइलेंस से निकलने को कहा, गुरुदेव नहीं आए, कोई टीचर ने कहा, और अंदर से कुछ ऐसे हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगा, एक नाराजगी हुई, गुरुजी क्यों नहीं है? नहीं तो तब तक देयर वॉज लाइक रियली नथिंग, आई हैडंट रियली नोन हिम, नॉट मच। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई सेशंस, हर सेशन अटेंड करूँ, सब चीज़ करूँ, लेकिन उस दिन कुछ अंदर से ऐसे हुआ। पुराने आश्रम में पता है ना, यू ऑल मस्ट हैव सीन, वहाँ पे उस समय थे हम लोग, तो मेडिटेशन हॉल से निकल करके मैं सुमेरु मंडप चली गई अकेले। मुझे किसी से नहीं मिलना था, किसी से बात नहीं करनी थी, कुछ शेयरिंग नहीं करनी थी, अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दोपहर के करीब 3 बजे हुए थे, अचानक से वहाँ सुमेरु में बैठे बैठे और इतने आंसू निकले जैसे रुकेंगे ही नहीं, पता नहीं कहाँ इतने आंसू थे। आई जस्ट केप्ट क्राइंग एंड लाइक अ चाइल्ड देयर वाज अ वॉइस इनसाइड सेइंग, यू हैव टू कम हियर नाउ, यू हैव टू कम हियर फॉर मी, मेरे लिए अब भी इसी वक्त आना पड़ेगा आपको। बच्चों के जैसे अंदर से वो रोना निकल रहा था, खुद ही मन में आ रहा था 3 बजे दोपहर में, सबको पता है गुरुदेव रेस्ट करते हैं, इस समय तो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे कोई बच्चा हट करता है, अंदर से वो पुकार आ रही थी। मैं पता नहीं कितनी देर बैठी रही, मालूम नहीं, 10-15-20 मिनट तो रोती रही होंगी,
अचानक से कुछ सफेद सा ऐसे छलका और आंख घुमा के देखी और वहां गुरुदेव आ रहे थे। मैं जैसे आज भी वो याद आता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी नहीं भूलूंगी वो जो उस समय आ रहे थे ना, जैसे था कि बच्चे की मांग कोई पूरी हो जाती है ना। इट वॉज सो ब्यूटिफुल एज ही केम इन। आई वॉज जस्ट सीटेड, आई कुडंट इवन गेट अप एंड आई जस्ट सेड आई हैव बीन सिटिंग हियर क्राइंग वेटिंग फॉर यू। एंड ही स्माइल्ड एंड सेड हाँ तेरे लिए ही तो आया हूँ। जैसे वो मेरी बस वो पुकार सुन लिए, दैट मीन सो मच फॉर मी। इट वॉज रियली वेरी डीप। बहुत कम आती थी मैं आश्रम उन दिनों में, इट वॉज रेयरली आती थी। आई वॉज इन कैलकटा दोज डेज, तो पूरा समय आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग दोज डेज नाउ। आई थिंक आई वॉज सो फॉर्चुनेट, सुबह से रात अगर कोई बोले क्या करते थे, बस गुरु जी का नॉलेज, नारद भक्ति सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, अष्टवक्र गीता, सिर्फ सुनती और लिखती, सुनती और लिखती, और कोई चीज नहीं। जैसी वही जिंदगी थी, जस्ट बीइंग विद गुरुदेव नॉलेज। इतना अच्छा लगता था, हर हफ्ते ऐसा वेट करती थी कब वो नॉलेज शीट आएगा। थर्सडे का वो नॉलेज शीट वॉज सो प्रेशियस, सत्संग में जाकर के उसकी चर्चा करना। इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल टाइम्स व्हेन आई कुड जस्ट बी विथ हिज नॉलेज। अभी तक भी कोई भी नॉलेज शीट ऐसी अचानक से सडनली यू विल बी सिटिंग एंड सडनली इट विल हिट यू। देयर वॉज वन दैट ही हैड सेड, अ ब्यूटिफुल स्टोन needs a setting around it, gold or silver, to hold it and to wear it. Wisdom and knowledge are that setting around the heart that will hold it in the divine. कितने दिन तक बस ये ऐसे ही झूमता रहता था। इतना सुंदर, इतना सुंदर। Somebody who writes like this, I would just be so fascinated. His simplicity of words, the depth of knowledge, his humor, his wit, कुछ भी बोलो कम लगता था, बस वो एक wow ऐसे अंदर से निकलता था हर लाइन में। बहुत perfectionist हूँ मैं, हर चीज को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो एक knowledge sheet आई थी, how much can you correct? It's like trying to rearrange the clouds in the sky. So that was like a thappad. So I spent a lot of time with his knowledge. I translated many of his English knowledge into Hindi. Actually, I've done almost 15 books of compilation or translation. And it has been the most beautiful times when I would want nothing, just leave me alone, mujhe kuch nahi karna hai, bas Gurudev ka knowledge. And fascinating journey into the unknown. So many nuances which open up, such depth, it's very very beautiful. कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्यों पढ़ना है ये सब नॉलेज, हमको तो फिक्शन अच्छा लगता है। I said फिक्शन में आपको क्या मिलता है, थोड़ा थ्रिल, थोड़ा रोमांस, थोड़ा डर। तो हमारा जीवन कोई फिक्शन से कमती है? Our life is the biggest, there is so much thrill, love, romance, fear. तो उसको कैसे जिए, उसकी कला आनी चाहिए ना, उसके लिए आप गुरुजी के नॉलेज शीट्स को पढ़ो। बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग दैट यू कैन लर्न।